एक टाइम था यार जब अंडर 3000 या 4000 आप लोगों को नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस मिला करती थी, मतलब उसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग भी नहीं होती थी, साथ ही एमोलेड डिस्प्ले होना तो बहुत दूर की बात है। फिर आई एमोलेड प्लस कॉलिंग, और अब आप लोगों को लक्स कलेक्शन की स्मार्ट वॉचेस भी अंडर 3000 अंडर 3500 रुपीस देखने को मिल जाते हैं। तो फायरबोल्ट आ चुकी है एक और नए लक्स कलेक्शन वाली स्मार्ट वॉच के साथ, जिसका नाम है फायरबोल्ट डैगर लक्स, और आज हम इसी को करेंगे अनबॉक्स। दो यूनिट्स थे मेरे पास, एक को यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को सही रिव्यू दे पाऊँ और बता पाऊँ कि आप लोगों को यह स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलते फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में, कैसी दिखती है स्मार्ट वॉच और आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी कभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ऊपर ही आपको वॉच की प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और ब्रांड एम्बेसडर हमारे MSD जी देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, एक मिलता है वारंटी कार्ड, कुछ सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और एक पोगो पिन वाला चार्जिंग मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली ये रही स्मार्ट वॉच जो काफी ज्यादा क्लासिक और लग्जरी सी लग रही है। सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करूँ तो फिट क्लाउड प्रो करके एप्लीकेशन आती है, जिसके थ्रू आप लोग फायरबोल्ट डैगर को भी कनेक्ट कर सकते थे और इसको भी कर लोगे, बहुत इजी सा प्रोसेस है। अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब आते हैं बिल्ड एंड डिजाइन पे। यहाँ पे सर्कुलर डायल में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी, दो बटन दिए गए हैं, एक से मेन मेन्यू में जाते हो और दूसरे से स्पोर्ट्स मोड में। बैक साइड में यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वॉच लगती है। अगर आप ये किसी को मार दोगे तो उसका सर तो 100% फट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइड स्पीकर, दूसरी साइड माइक देखने को मिल जाना है। स्ट्रैप की बात करूँ तो यहाँ पे 22mm का स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप मिल जाएगा विथ मैट फिनिश, जो कि ओवरऑल स्मार्ट वॉच को काफी ज्यादा लग्जरी बना देता है। मुझे पर्सनली मैट फिनिश में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद आया है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन में पैसा वसूल कर देती है ये स्मार्ट वॉच, बाकी चीजें आगे बताता हूं। डिस्प्ले पे आते हैं, 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 466x466 का पिक्सल रिजोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर आपको इशू फेस नहीं करने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पे दो AOD के वॉच फेसेस मिल जाते हैं और कलर्ड वॉच फेसेस हैं ये, तो ये चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है इस स्मार्ट वॉच में। और चाहे डिजिटल हो या एनालॉग हो, दोनों की विजिबिलिटी भी इनफ है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। इसके अलावा कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी फोटो लगाकर आप लोग यहाँ पे रोला जमा सकते हो और कलर एक्यूरेसी भी काफी सही देखने को मिल जाएगी। चलते हैं इसकी वॉच यूआई और फीचर्स पे डालते हैं अभी एक नज़र। फायरबोल्ट डैगर लक्स के फीचर्स एंड यूआई की बात करूँ तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर स्वैप अप करोगे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से नीचे स्वैप डाउन करते हैं, यहाँ पे सेटिंग के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अभी आप देख सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, कॉलिंग ऑन ऑफ, टॉर्च, फाइंड माई फोन, ये सारे फीचर्स यहाँ पे शॉर्टकट के लिए दे रखे हैं। सेटिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मेन्यू स्टाइल्स दिए गए हैं, तो तीन मेन्यू स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्प्ले मिलता है देखने को, डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि वॉच फेसेस, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, यहाँ से आप लोग स्क्रीन टाइम एडजस्ट कर सकते हो, रेस्ट टू वेकअप एंड AOD, दो AOD के वॉच फेसेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा बैटरी, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, QR कोड, लैंग्वेजेस, सेट टाइम, सिस्टम में आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ही आप लोग राइट से स्वाइप करोगे आप लोगों को भी झटके कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फायरबोल्ट की ऑलमोस्ट हर स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिलता है। मेन मेन्यू की बात करूँ तो यार ये वाला बटन प्रेस करके आप लोग मेन मेन्यू में आ जाते हो, यहाँ पे आप लोगों को कॉलिंग, इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट, डेटा, वर्कआउट रिकॉर्ड्स। वर्कआउट्स की बात करूँ तो जितनी भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो सारे स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे इस स्मार्ट वॉच की। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, नोटिफिकेशंस, वेदर फोरकास्ट, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ मोड, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक, सेट टाइम, फाइंड माई फ़ोन, कैलकुलेटर जैसे यूज़फुल फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाने हैं। अगेन सेटिंग, यहाँ पे कोई क्राउन देखने को नहीं मिलता है, तो अगर क्राउन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसके अलावा डिस्प्ले पे टच एंड होल्ड करके रखने से आप लोग वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो और काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, तो यहाँ पे हाँ लैग जैसा कोई दिक्कत आप फेस नहीं करने वाले हो। वाटर रेजिस्टेंट में IP68 देखने को मिल जाता है और आप लोग बारिश वगैरह में यूज़ कर लोगे IP68 की वजह से, बाकी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, अपने रिस्क पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। वही बात की जाए बैटरी बैकअप की तो 8 डेज का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच इजिली दे देगी अगर आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं करते हो। तब अगर आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हो तो वहाँ पे 1 से 2 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा।
एक्यूरेसी पे आते हैं। इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैंने इसका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से। एट दी एंड जो रिजल्ट निकल कर आया यार, वो अभी आप लोग के सामने है। सिर्फ एक से दो रीडिंग का ही फर्क देखने को मिलता है, कई बार 100% एक्यूरेसी भी प्रोवाइड कर देती है। वही बात की जाए एसपीओ 2 की, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लेती है स्मार्ट वॉच, लेकिन एट दी एंड जो रिजल्ट देगी वो 100% एक्यूरेट देगी, कभी कभी 90%। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम टू सेम रीडिंग मैच हो जाती है। बाकी मैं यही कहूँगा यार, कोई सी भी स्मार्ट वॉच हो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, तो आप लोग भी ऐसी स्मार्ट वॉचेस पर रिलाई मत रहा करो। इनफैक्ट कोई सी भी हो उन पर रिलाई मत रहा करो, सीरियस सिचुएशन में डॉक्टर से ही कंसल्ट किया करो। चलते हैं फटाफट कॉलिंग क्वालिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कॉलिंग क्वालिटी कैसी निकल कर आती है। हेलो, क्या हाल है भाई? बस ठीक हूँ। ये बता आवाज कैसी आ रही है, बहुत से कॉल कर रहा हूँ। सही आ रही है? हाँ। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा दूर से आ रही हो? अच्छा, बाकी बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही ज्यादा? थोड़ी दूर से बात कर रहा हूँ ना मैं शायद इसलिए। चल ठीक है, ये पूछ रहा था है। होप करता हूँ आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं क्या आप लोगों को फायरबोल्ट डैगर लक्स स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी फायरबोल्ट डैगर है तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ले सकते हो अगर आप लोगों को लग्जरी स्मार्ट वॉचेस का शौक है। बाकी अगर आप लोगों के पास डैगर स्मार्ट वॉच नहीं है और आप लोगों का बजट है 3500 रुपए और आप लोग कोई अच्छी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली फायरबोल्ट डैगर के साथ जा सकते हो। हाथ में पहनने के बाद ये स्मार्ट वॉच आपके ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देगी, प्लस एक्यूरेसी भी सही मिल जाती है, इसके अलावा कॉलिंग में भी आपका काम चला देगी। तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूंगा यार, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने सारी चीजें इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ सारी चीजों को देखने के बाद। अगर आप लोग इस स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।